वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। सच पूछिए तो सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं, चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों। उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए ही किया है। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो स्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। अन्य भाषा भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए, न कि बहिष्कार। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं निष्पृह भाव से हिंदी की श्री वृद्धि में लग जाएं, जिससे अन्य भाषा भाषी भी उनके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है, यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं को सीखने की शायद आवश्यकता भी न होती। पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए
उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है। उसी प्रकार हिंदी भी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं आवश्यक भी हो जाए तथा इस भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जाएं जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए। जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है उतनी बड़ी संख्या संसार की दो तीन भाषाओं के बोलने वालों की है। इसलिए यदि इतने लोगों में यह भावना उत्पन्न हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भाषाओं में समुचित स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हिंदी का गौरव बढ़ेगा। स्टॉप।